नई विश्व राजनीतिक व्यवस्था की चाबी हिंद प्रशांत क्षेत्र के हाथ में है और 21वीं सदी में ये क्षेत्र दुनिया के बड़े देशों, शक्तिशाली देशों के शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बन सकता है। हेलो, वर्ल्ड व्यू में आपका स्वागत है और शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से जिनका कि हम आज विश्लेषण करेंगे। क्यों अमेरिकी विदेश नीति के एजेंडे में आया हिंद प्रशांत क्षेत्र? कैसे क्वाड हुआ पुनर्जीवित, नए ऑकस का हुआ गठन? क्यों चीन इस क्षेत्र पर एकाधिकार के लिए छटपटा रहा है? इस क्षेत्र से विश्व का कितना आयात निर्यात गुजरता है और भारत के लिए हर दृष्टि से कितना अहम है यह क्षेत्र? इन सब और ऐसे ही कई सवालों का जवाब इस वीडियो में है, जिसे हमने कई विशेष आंकड़ों, संदर्भों और तथ्यों के साथ तैयार किया है। समसामयिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भू राजनीतिक हलचलें बढ़ी हैं और कुछ ही समय में यहाँ पर जबरदस्त सामरिक कूटनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इन सब के एक एक पहलू का हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं सबसे बड़ी चीज, सबसे जरूरी चीज कि यहाँ का भूगोल क्या कहता है। संपूर्ण पृथ्वी महासागरों और महाद्वीपों में बटी हुई है। महासागर सागरों से बड़े होते हैं और आपस में जुड़े होते हैं, जबकि तीन ओर से घिरे समुद्रों को खाड़ी या बे कहते हैं। प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन सबसे विशाल और सबसे गहरा है और ये विश्व के सभी महासागरों का करीब 45.8% है। इसी तरह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर, यानी इंडियन ओशन। यहाँ तेल, प्राकृतिक गैस और खनिज के भंडार हैं। इतना ही नहीं, सामरिक दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर तक ये पहुंच सुनिश्चित करता है। भौगोलिक तौर पर इसी हिंद और प्रशांत महासागर, विशेषकर प्रशांत महासागर के एक विशेष भाग को हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी इंडो पैसिफिक रीजन कहा जाता है। ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट से लेकर अफ्रीका के पूर्वी तटों तक यानी कई द्वीपों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में कुल 38 देश आते हैं, जो विश्व के सतही क्षेत्र का 44% और विश्व की कुल आबादी का 65% हिस्सा है। विश्व जीडीपी में इनका हिस्सा 62% का है। इस तरह इस क्षेत्र का यही जो भूगोल है वो इसकी व्यापारिक और सामरिक अहमियत को बताता है और इसको हमेशा इसी परिप्रेक्ष्य में देखा भी जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष वैश्विक निर्यात का 42% और आयात का 38% हिंद प्रशांत समुद्र क्षेत्र से गुजरने का अनुमान है। यहाँ विश्व के सबसे अधिक व्यस्त बंदरगाह भी हैं। कालांतर में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से सामरिक वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा ने भी जन्म लिया और माना जा रहा है कि हिंद प्रशांत समुद्र क्षेत्र 21वीं सदी में विश्व की महाशक्तियों के शक्ति प्रदर्शन का भी मंच बन जाएगा। आखिर चीन हिंद प्रशांत में क्या कर रहा है? चीन की नीति चूंकि विस्तारवाद, वर्चस्ववाद और आर्थिक शक्ति बनने की रही है, इसलिए इससे जुड़ा हर काम वो यहाँ एन केन प्रकारेण कर रहा है। दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन अक्सर चर्चा में रहता है, जो कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का हिस्सा है, विशेषकर प्रशांत महासागर का। सागरों में से सबसे विशाल सागर है और ये क्षेत्र चीन, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपीन से घिरा है। 35 लाख किलोमीटर अर्थात लगभग 14 लाख वर्ग मील क्षेत्रफल के इस सागर के ज्यादातर हिस्से को चीन अपना बताता है। ऐसा 1947 के एक पुराने नक्शे को आधार बनाकर कहा जाता है। उसने वहां नकली द्वीप बनाकर और बसाकर अपने सैनिकों की तैनाती भी कर दी है। हालांकि यहां की कथित 9 डैश लाइन पर उसके अधिकार का दावा हेग की परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में खारिज हो चुका है।
आसियान के देशों के साथ तो चीन का लंबा विवाद है। अनुमान है कि विवादित दक्षिण चीन सागर के रास्ते हर साल करीब 5 लाख करोड़ डॉलर का व्यापार होता है और ये एक तरह से देखा जाए तो दुनिया के एक तिहाई व्यापारिक जहाज यहां से इस रास्ते से होकर गुजरते हैं। अक्सर ये भी सुनने में आता है कि चीन इन देशों के व्यापारिक जहाजों को परेशान भी करता है और चूंकि चीन का ये रवैया जो है वो एक तरह से एक तरफा है, जबरन है, इसलिए इस क्षेत्र से संबद्ध जो देश हैं उनका जुटना, एकजुट होना स्वाभाविक ही है। ये तो थी चीन की चर्चा। आप जानते हैं कि चीन से पर्टिकुलरली क्वाड के देशों की क्या क्या दिक्कतें हैं। अमेरिका की विदेश नीति चीन को काबू करने की रही है और अब उसने इंडो पैसिफिक रीजन में दबदबा बढ़ाने की रणनीति बनाई है। अफगानिस्तान से खाली होते ही उसने इस क्षेत्र पर फोकस किया और क्वाड को पुनर्जीवित करने के बाद लगे हाथ ऑकस भी बना डाला। इसके पीछे भी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा है क्योंकि एक अनुमान के मुताबिक 2027 तक चीन उसे पछाड़कर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे को फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यानी नेविगेशन की आजादी का हवाला देकर चुनौती दे रखी है। ऑस्ट्रेलिया में तटीय इलाके बहुत हैं और पूरे देश की आबादी 2.5 करोड़ के लगभग है। उसे अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए समुद्र के रास्ते व्यापार करना होता है और ऐसा समुद्री इलाकों की सुरक्षा में ही संभव है। उसे डर है कि चीन की पनडुब्बियां या जहाज उसके क्षेत्र में घुसना न शुरू कर दें। पहले दोनों देशों ने आपसी व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे कर लिए थे लेकिन बाद में कुछ घटनाओं ने दोनों के बीच में खटास पैदा कर दी, खासकर ऑस्ट्रेलिया की नई सरकार में चीन से संबंध बदल चुके हैं। जापान की बात करें तो पिछले एक दशक में वो चीन से सबसे ज्यादा परेशान रहा है। पूर्वी चीन सागर में उसका चीन के साथ विवाद है। जापान ने 2012 में सेनकाकू द्वीपों का राष्ट्रीयकरण कर दिया और इसके बाद से चीन ने अपनी गतिविधियां यहां और बढ़ा दी। माना जाता है कि इसी वजह से चीन के साथ बढ़े विवाद से उत्पन्न तनाव की वजह से जापान के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने क्वाड को एक सैन्य गठबंधन के रूप में फिर से सक्रिय करने का आह्वान किया। भारत के लिए चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत एक रणनीतिक चुनौती है। चीन हिंद प्रशांत में अपना असर बढ़ाने की कोशिश के साथ साथ भारत को सीमा विवाद में भी उलझाए रखना चाहता है। भारत के व्यापार का लगभग 50% हिस्सा हिंद प्रशांत क्षेत्र में केंद्रित है। भारत का दृष्टिकोण साफ है, जिसे जून 2018 में शांग्रीला वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने रखा था कि प्रतिस्पर्धा सामान्य बात है किंतु यह विवाद में नहीं बदलनी चाहिए। इस तरह अब हिंद प्रशांत क्षेत्र की राजनीतिक परिस्थितियां जो हैं वो काफी ज्यादा जटिल होती जा रही हैं, पेचीदगी भरी होती जा रही है। कई देश यहाँ अलग अलग वजहों से सक्रिय हो उठे हैं, रुचि लेने लगे हैं। हाल ही में यूरोपीय यूनियन और फ्रांस ने भी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी नीति की घोषणा कर दी है। ऐसे में भारत के लिए क्या महत्वपूर्ण है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। भारत की नीति में इस क्षेत्र को मुक्त, खुले और समावेशी यानी इंक्लूसिव क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। इसके महत्व को देखते हुए विदेश मंत्रालय में 2 साल पहले ही अलग से हिंद प्रशांत इकाई भी बना दी गई जो यहाँ की हर गतिविधि पर नजर रखती है। इतना ही नहीं, अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखने के लिए भारत, अमेरिका, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम और आसियान के कुछ देशों के साथ सैन्य अभ्यास करता रहा है। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इनिशिएटिव सागर
यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, पहले ही इस क्षेत्र में सभी देशों के लिए सुरक्षा और समान हित की बात कहता है। बदली परिस्थितियों में भारत को बड़े और प्रभावशाली देशों को याद दिलाना होगा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में उनके साझा हित निहित हैं और किसी तरह का आपसी मतभेद मनभेद एक बड़े लक्ष्य को हासिल करने से रोक सकता है। पूरी परिस्थिति का सामरिक, राजनीतिक, आर्थिक, कूटनीतिक, इन सारी परिस्थितियों का विश्लेषण, और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम आज ही कर लें। ध्यान रखें कि अगर आपकी इससे संबंधित कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली बार फिर ऐसे ही एक समसामयिक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ हम फिर मिलेंगे। अनुमति दें। धन्यवाद।